नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है, अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान में अब पतंग उड़ाना भारी पड़ सकता है, आप पर भारी जुर्माना और सजा भी मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने प्रदेश भर में सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को धारा 144 के तहत पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा गया है। नियमों के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्लास्टिक और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर दोस्तों रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के तहत एडवाइजरी भी दोस्तों जारी कर दी गई है। प्रतिबंधित समय में कोई पतंग उड़ाता पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, यानी कि आपको सजा भी मिल सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2012 को सुबह और शाम को पतंग उड़ाने पर रोक लगाई थी। प्रदेश में चाइनीज मांझे से गला कटने की कई घटनाएं सामने आ गई हैं, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है, धारा 144 लागू कर दी है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, सुबह शाम पतंगबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, क्योंकि दोस्तों पशु पक्षी और आम लोगों के जीवन पर खतरे का हवाला दिया गया है और अभी भी दोस्तों खतरनाक मांझा बिक रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों को गलत बताते हुए दुकानदार इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। रोक के बावजूद भी दोस्तों चाइनीज मांझा बिक रहा है, अब सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, धारा 144 भी लागू कर दी है। बहुत बड़ी खबर।